मेरा नाम शाक्रा है और ये अदनान है। किराए के इस मकान पर अदनान ने मेरा नाम लिखा था। वो कहते थे इस नेम प्लेट को बहुत संभाल कर रखना, हम अपना घर बनाएंगे और उस घर के गेट पर यही नेम प्लेट लगाएंगे। अदनान भी किसी शेख चिल्ली से कम न थे। अदनान मुझे बहुत चाहते थे, अपनी जान से भी ज्यादा। नासिर के आने के बाद तो वो मुझसे और भी प्यार करने लगे। वो नासिर को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं लंबी उम्मीदें बांधने से घबराती थी। मैंने तो अदनान को आज तक ये नहीं बताया कि वो मेरे लिए कितने अहम हैं। डरती हूं कि हमें मेरी ही नजर न लग जाए। मुझे तो शहजादी बनाकर रखा था। कहते थे तुम बाहर ना जाओ, दूसरे मर्द तुम्हें घूरते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिस मंजर से हम डरते हैं उस मंजर का सामना हमें जरूर करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? मेरी जिंदगी में एक ऐसा जुम्मे का दिन आया जो मैं कभी नहीं भुला सकती। अदनान तैयार होकर जुम्मे की नमाज पढ़ने निकले। उस वक्त मैं भी मुसलमान थी, जाय नमाज पर इबादत कर रही थी और अचानक हमारी दुनिया ही बदल गई। और दहशतगर्द आए दिन सैकड़ों हजारों मासूम जानों का बेदर्दाना कत्ल और इंसानी बर्बादी के इंतहाई बहीमाना और सफाकाना इकदामात को नाजायज तौर पर जिहाद के साथ मिला देते। मस्जिद में कुछ लोगों ने जन्नत में जाने की खातिर नमाजियों पर गोलियों की बौछार कर दी और फिर एक ऐसा धमाका जिसने अदनान को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अल्लाह के मानने वालों ने अल्लाह ही का नाम लेकर मेरे अदनान का कत्ल कर दिया। मुझे इन कातिलों के मजहब से और उससे जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई है। मत पढ़ो नमाज यहाँ। यहाँ नमाज के बहाने लोगों को कत्ल किया जाता है। ये इबादत गाह नहीं, कत्ल गाह है। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम भी मारे जाओगे। पहले मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन इस मासूम जान को कैसे मार दूं? आज मैं मुसलमान नहीं हूं और अब बड़े घर में रहती हूं। मैं जिस रास्ते पे चल रही हूं इससे अदनान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। नासिर भी मुझसे खुश नहीं है। मैं नासिर को कैसे समझाऊं कि हमें इस जहन्नुम में डालने वाले वही जन्नती लोग हैं जिन्होंने हमारे सारे ख्वाबों को रोंद कर रख दिया। अम्मा कौन थे? मैंने कहा था ना मुझसे ऐसे सवाल ना पूछा करो। ये अंकल थे, हमारे साथ जहन्नुम में होंगे। मम्मा पापा कहते थे जहन्नुम बुरी जगह है, वहाँ पे आग होती है और शैतान होते हैं। मुझे जन्नत में जाना है। खबरदार जो जन्नत में जाने की बात की, वहां सारे दहशत गर्द होते हैं, तुम्हारे पापा के कातिल भी वहीं होंगे। हम जहन्नुम में जाएंगे। कल जो अंकल आए थे वो भी मार साथ होंगे। कल? हाँ, लेकिन उन्होंने आपको इतना मारा था।
तुम्हें कैसे पता चला? तुम देख रहे थे? बेटा अब यहां कोई नहीं आएगा, मामा को आज जरूरी काम है, आज रात को आपको अकेला सोना होगा, मैं सुबह आ जाऊंगी। चांदनी मुझको जलाती है, क्या क्या रूप दिखाती है, मुझ पे भी तो साए थे, सुख भी मैंने पाए थे, दुख की कैसी हवा चली, कैसी हवा चली, कैसी हवा चली, दुख की हवा चली, कैसी हवा चली। कर मुझको सब छुप जाए, खुशियाँ जब भी आना चाहे, छू कर मुझको सब छुप जाए, अपना कोई बनना पाया, छोड़ गया मुझे मेरा साया। ये मुझे भाई सड़क पर घूमता हुआ मिला, मैं इसे फौरन ही पहचान गई और अपने घर ले गई। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कलीस फातिमा है और मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। ये अकेला इस घर में घबराता है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप इसे मेरे पास छोड़ के जा सकती हैं। मम्मा मम्मा, आंटी ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, पापा की ट्रक वाली शीट है। ये आपने ठीक नहीं किया, हम मुसलमान नहीं हैं। जाओ बेटा, देखिए आप आइंदा इसे अपने घर ले जाने की जहमत ना ले तो बेहतर होगा। हम मुसलमानों के यहाँ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। और पूरे आलम इस्लाम के नौजवान एतिकादी, फिक्री, इल्मी और अमली लिहाज से मुतजलजल हो रहे हैं और जहनी इंतशार का शिकार हैं। और ये इंतशार रफ्ता रफ्ता उनके अंदर दीन गुरेजी के रुझानात को तकवीयत पहुंचा रहा है। अनकही सी बातें हैं सारी, रात अधूरी नींदों में, अनकही सी बातें हैं सारी, रात अधूरी नींदों में, दिन गुजरे तो याद करूं मैं, बात अधूरी नींदों में, दुनिया मुझको छोड़ चली, ऐसी हवा चली, दुख की हवा चली, कैसी हवा चली, कैसी हवा चली, चांदनी मुझको जलाती है, क्या क्या रूप दिखाती है, मुझ पे भी तो साए थे, सुख भी।